हमारे फैसले और हमारे सरोकार भी उसी दिशा में है। साथियों, हम भारतीयों की एक और खासियत होती है कि हम जहां भी रहे मिलजुल करके रहते हैं, जैसे दूध में पानी में शक्कर की तरह घुल मिल जाते हैं। आप भी यहां ग्रीस में आकर यहां की अर्थव्यवस्था की और खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मिठास बढ़ा रहे हैं। आप यहां ग्रीस के विकास के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वहीं भारत में आपके जो नाते रिश्तेदार है वो भी पूरी ताकत से देश के विकास में जुटे हुए हैं। आपके परिवार के लोगों ने भारत को दूध उत्पादन के मामले में दुनिया में नंबर वन बना दिया है। आपके परिवार के लोग भारत को धान, गेहूं, गन्ना, फल सब्जियां, इन सभी के उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर ले आए हैं। आज भारत उस स्केल पर काम कर रहा है जो 10-15 साल पहले तक अकल्पनीय लगते थे। भारत वो देश है जो दुनिया का नंबर वन स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है। भारत वो देश है जो इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत वो देश है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। भारत वो देश है जिसमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत वो देश है जिसमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। भारत वो देश है जिसमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट है। साथियों, आज IMF, वर्ल्ड बैंक हो, सभी भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की तारीफ करते नहीं थकते हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत में निवेश करने के लिए होड़ मची हुई है। आज भारत दुनिया में 5वें नंबर की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। और हर बड़ा एक्सपर्ट कह रहा है कि अगले कुछ साल में भारत टॉप 3 में होगा। साथियों, जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तब देश गरीबी से तेजी से बाहर निकलता है। भारत में सिर्फ 5 साल में ही 13.5 करोड़ नागरिक गरीबी से ऊपर आ गए हैं। भारत की इकोनॉमी का साइज बढ़ने के साथ ही हर भारतीय, हर परिवार की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है और भारत के लोग ज्यादा कमा रहे हैं तो ज्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं।
10 साल पहले भारतीयों ने म्यूचुअल फंड में करीब 8 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखा था। आज भारतीयों ने करीब करीब 40 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आज हर भारतीय आत्मविश्वास से भरा हुआ है और भारत भी आत्मविश्वास से लबालब है। साथियों, आज का भारत अपनी साइंस, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने इनोवेशन के दम पर दुनिया में छा रहा है। 2014 के बाद से भारत में 25 लाख किलोमीटर, यह आंकड़ा जरा बड़ा लगेगा आपको, 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। और ये 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का मतलब होता है ये धरती और चंद्रमा के बीच जितनी दूरी है उससे भी 6 गुना ज्यादा है। भारत आज दुनिया का वो देश है जिसने रिकॉर्ड समय में 700 से ज्यादा जिलों में 5G सर्विस पहुंचाई है। और ये 5G टेक्नोलॉजी हमने कहीं से उधारी नहीं ली, इंपोर्ट नहीं की है, बल्कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। आज भारत में हर गांव, हर गली में डिजिटल ट्रांजैक्शन होने लगा है। अमृतसर से लेकर आइजोल तक आपको 10 रुपये का भी कुछ खरीदना हो तो आप उसका डिजिटल पेमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। पिछले दिनों आप में से जो हिंदुस्तान गए होंगे आपने अनुभव किया है कि नहीं किया है? यही होता है ना, जेब में रुपयों की जरूरत नहीं, बस आपका मोबाइल फोन काफी है। साथियों, आज भारत जिस स्पीड और स्केल पर काम कर रहा है वो सुनकर भी हर हिंदुस्तानी का दिल और आपका दिल भी गदगद हो जाएगा। आपको जानकर गर्व होगा कि आज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज आपके भारत में है। आज दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड आपके भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा आज भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क हमारे भारत में बन रहा है। चंद्रमा आजकल हॉट टॉपिक है, इसलिए मैं एक और उदाहरण चंद्रमा से जोड़ते हुए दूंगा। पिछले 9 साल में भारत ने अपने गांवों में जितनी सड़कें बनाई है, मैं गांव की सड़कों की बात कर रहा हूं, गांव में जितनी सड़कें बनाई हैं वो धरती से चंद्रमा जितनी दूरी को कवर कर सकती है। इतनी लंबी गांव की सड़कें 9 साल में बनी हैं। पिछले 9 साल में भारत ने जितनी रेल लाइनें बिछाई हैं
उनकी लंबाई 25,000 किलोमीटर से ज्यादा है। अब ये मैं 25,000 किलोमीटर बोलता हूं तो सिर्फ एक आंकड़ा जैसा लग सकता है कि चलो भाई 25,000 किलोमीटर हो गया होगा। आप ये समझिए कि इटली में, साउथ अफ्रीका में, यूक्रेन में, पोलैंड में, ब्रिटेन में जितना बड़ा रेल लाइनों का नेटवर्क है उससे ज्यादा रेल लाइनें भारत ने पिछले 9 साल में बिछाई है। आज भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना खर्च कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया। साथियों, आज भारत जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान इस मंत्र पर चलते हुए हर सेक्टर को मजबूत बना रहा है। यहां ग्रीस में बहुत हमारे साथी पंजाब से आए हैं और अधिकतर खेती के काम से जुड़े हुए हैं। भारत में हमने किसानों के लिए एक योजना शुरू की है जिसमें खेती के खर्चों के लिए उनके बैंक खातों में सरकार सीधे पैसा भेजती है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने लाल किले से जो घोषणा की है वो भी मैं आपके सामने फिर से एक बार कहना चाहता हूं। भारत अपने गांवों में रहने वाली बहनों को ड्रोन पायलट बनाने के लिए बहुत बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। आप सोचिए, हमारी गांव की बेटियां अब ड्रोन पायलट बनकर आधुनिक खेती में मदद करेगी।